महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव परिणाम में अजीत पवार की एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी को काफी नुकसान हुआ। सीटों के लिहाज से नुकसान के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। इन्हीं कारणों में से एक कारण मराठा आरक्षण मुद्दे को भी माना जा रहा है। 2024 के चुनाव में मिली हार के बाद आज एनसीपी के कई नेताओं ने मनोज जरांगे से मुलाकात की। अजीत पवार गुट के एनसीपी विधायक बाबा साहेब पाटिल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात की है। उन्होंने जरांगे को यह भी संदेश दिया कि हम आपके साथ हैं। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव परिणाम में अजीत पवार की एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी को काफी नुकसान हुआ। सीटों के लिहाज से नुकसान के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। इन्हीं कारणों में से एक कारण मराठा आरक्षण मुद्दे को भी माना जा रहा है। 2024 के चुनाव में मिली हार के बाद आज एनसीपी के कई नेताओं ने मनोज जरांगे से मुलाकात की। अजीत पवार गुट के एनसीपी विधायक बाबा साहेब पाटिल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात की है। उन्होंने जरांगे को यह भी संदेश दिया कि हम आपके साथ हैं। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव परिणाम में अजीत पवार की एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी को काफी नुकसान हुआ। सीटों के लिहाज से नुकसान के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। इन्हीं कारणों में से एक कारण मराठा आरक्षण मुद्दे को भी माना जा रहा है। 2024 के चुनाव में मिली हार के बाद आज एनसीपी के कई नेताओं ने मनोज जरांगे से मुलाकात की। अजीत पवार गुट के एनसीपी विधायक बाबा साहेब पाटिल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात की है। उन्होंने जरांगे को यह भी संदेश दिया कि हम आपके साथ हैं।